ग्वालियर जिले में केंद्रीय जेल के निर्वाह शाखा के छज्जे पर एक राइफल से गोली चलने का मामला सामने आया है। बता दें कि बीती शाम 6:30 बजे केंद्रीय जेल में कर्मचारी और बंदी निर्वाह शाखा के पास खड़े थे कि तभी अचानक उनके ऊपर एक चली हुई गोली जाकर गिरी। गिरने से पहले गोली छज्जे से टकराई और फिर नीचे आई गोली देखते ही अचानक उस जगह हड़कंप मच गया। गोली की घटना से सहमे कर्मचारी अंदर छुप गए और कोई भी कर्मचारी कुछ देर तक बाहर नहीं आया। वहीं इस मामले का पता चलते ही जेल अफसर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएसपी अशोक सिंह जादौन का कहना है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मैं एक फेरी के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करके FIR कराई गई, जिसमें बताया गया कि जेल की के पास ही जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ था तो उस पर आकर कुछ टकराया। बाद में तस्दीक करने पर वो गोली होना प्रतीत हुई। इस पर से 336 की FIR थाना भोड़ापुर में पंजीबद्ध की गई है और मामले को जांच में लिया है कि गोली किस परिस्थितियों में कहाँ से चली है। कब की घटना? कल की घटना बताई गई है, दिनांक 5 तारीख की, और अभी जांच करके इसमें पता लगा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में किस डायरेक्शन से गोली आई। अब वो कैमरे विवेचना में हम चेक करा रहे हैं जेल के आसपास के जो प्रमाइसेस हैं और आसपास के क्षेत्रों में कहीं हवाई फायर होने की सूचना है या कोई जानकारी है तो उसको भी तस्दीक करा रहे हैं।